ऑनलाइन शिक्षण के तहत द्वितीय वर्ष संस्कृत की छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज इस कालांश के अंतर्गत हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्रों का सामान्य परिचय इस प्रकार प्रस्तुत है। नाटक में अनेक पात्र हैं, पर मुख्य पुरुष पात्र इस प्रकार हैं। प्रथम जो पात्र हैं वो दुष्यंत हैं। दुष्यंत इस नाटक के नायक हैं और हस्तिनापुर के राजा हैं। दुष्यंत धीरोदात्त प्रकार के नायक हैं। ये पुरुवंशी राजा हैं। इसी वंश में आगे चलकर इनके पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। नाटक में 7 अंक हैं और दुष्यंत चतुर्थ अंक को छोड़कर सभी अंकों में उपस्थित हैं। अगले पुरुष पात्र का नाम है कण्व। महर्षि कण्व का दूसरा नाम काश्यप भी है। कण्व इस नाटक में शकुंतला के धर्म पिता हैं, अर्थात कण्व ने ही शकुंतला का लालन पालन किया। कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है और ये इस आश्रम के कुलपति हैं। महर्षि कण्व त्रिकालदर्शी हैं, अतः उन्होंने शकुंतला के भावी जीवन में आने वाली घटनाओं के अंतर्गत जो अनिष्ट हैं उनके निवारण के लिए कण्व सोम तीर्थ गए हुए हैं। प्रथम अंक में जब राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं तब उन्हें ज्ञात होता है कि आश्रम के कुलपति नहीं हैं और वे सोम तीर्थ में हैं। चौथे अंक में कण्व ने अपनी पालिता पुत्री शकुंतला को विदाई के अवसर पर प्रसिद्ध उपदेश दिया है और इन उपदेश में जीवन का सार दिया गया है। अतः चौथे अंक में ये 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात अगले प्रमुख पुरुष पात्र हैं माधव्य। माधव्य इस नाटक में विदूषक अर्थात जोकर के रूप में हैं और माधव्य राजा दुष्यंत के अंतरंग मित्र हैं। माधव्य नाटक में प्रथम और द्वितीय अंक में उपस्थित हैं। राजा अपनी अनुपस्थिति में माधव्य को ही हस्तिनापुर में भेजते हैं। अगले पात्र हैं शारंग राव। शारंग राव महर्षि कण्व के शिष्य हैं और ये शारद्वत से बड़े हैं। जब शकुंतला को दुष्यंत के सभा में उपस्थित होना है तब उस समय शकुंतला को भेजने वाले दल के नेता के रूप में शारंग राव को ही भेजा जाता है। इसके साथी हैं शारद्धत जो कि महर्षि कण्व के शिष्य हैं और शारद्धत भी उस दल में रहते हैं। दोनों शिष्य नाटक में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात
सूत्रधार एक प्रमुख पात्र है। सूत्रधार रंगमंच का अध्यक्ष होता है और नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी का पारस्परिक वार्तालाप होता है। इसी वार्तालाप में हमें यह सूचना मिलती है कि दुष्यंत आखेट शिकार के लिए वन में आए हुए हैं और एक हरिण का पीछा कर रहे हैं। इसके पश्चात सर्वदमन एक प्रमुख पात्र हैं। सर्वदमन नाम इसलिए रखा क्योंकि वो वन में बालक होते हुए भी सभी जंतुओं को अपनी शक्ति से पीड़ित करते थे। सर्वदमन राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। शकुंतला इनको शिक्षा देती हैं और भरत कालांतर में इनका नाम पड़ता है और भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत कहलाया। सातवें अंक में भरत सिंह के एक शावक के साथ खेलते हुए उनके दांत गिनने का प्रयास करते हैं। अन्य पात्र हैं, अन्य स्त्री पात्रों में सर्वप्रमुख हैं शकुंतला। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका नामक अप्सरा की संतान हैं। शकुंतला का लालन पालन ऋषि कर्ण ने अपने आश्रम में किया है, अतः शकुंतला प्रकृति के परिवेश में पली बड़ी हैं। शकुंतला का नाटक में परिचय भी वृक्षों को सिंचाई करते हुए प्रस्तुत किया गया है। नाटक के प्रथम तृतीय चतुर्थ पंचम और सप्तम अंकों में शकुंतला का वर्णन किया गया है। नाटक का नामकरण भी शकुंतला के ही आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम है। शकुंतला एक मुग्धा नायिका है। शकुंतला नाटक में एक दुर्भाग्यशाली महिला के रूप में प्रारंभ में वर्णित है, पर अंत में पुनः दुष्यंत के साथ मिलन से नाटक की सुखद समाप्ति होती है। चौथे अंक में शकुंतला को पति ग्रह भेजते समय जो कारुणिक दृश्य का वर्णन हुआ है वह सभी हृदय ग्राही मनुष्यों को भावातिरेक में उत्पन्न कर देता है। इसके पश्चात शकुंतला का वर्णन इतनी कुशलता से किया गया है कि सभी के आकर्षण का केंद्र शकुंतला ही हो जाती है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा साप दिए जाने से दुष्यंत शकुंतला का अभिज्ञान अर्थात पहचान नहीं पाते हैं और नाटक में अंत में रोचकता उपस्थित होती है। अन्य स्त्री पात्रों में अनसुया और प्रेमवदा है। अनसुया इस नाटक में प्रेमवदा से बड़ी हैं और शकुंतला की अनन्य सखी हैं। दूसरी जो सखी है प्रेमवदा, वो नाम से प्रेमवदा है और बोलती भी प्रिय हैं। दुर्वासा के द्वारा शाप देने पर शाप मुक्ति की प्रार्थना भी प्रेमवदा करती है। दोनों सखियां प्रथम तृतीय चतुर्थ और पंचम अंकों में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ गौण पात्र हैं जैसे मातली का नाम आता है। मातली राजा इंद्र के सारथी हैं। छठे अंक में मातली राजा को स्वर्ग में ले जाने के लिए आते हैं और राजा को स्वर्ग में ले जाकर युद्ध के पश्चात पुनः लाते हैं। इस प्रकार नाटक के
जो प्रमुख पात्र है उनका संक्षेप में वर्णन किया गया है।